बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। कई मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। इजलास में डीपीओ कसूर ने ज़िला में अमन अमान के क्याम, चोरी व डकैती पर काबू पाने के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। एजुकेशन, हेल्थ, ज़राअत, इरीगेशन, वापडा, तरक्याती मनसूबों और पंजाब हुकूमत के दीगर इकदाम पर ब्रीफिंग। कई मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि यह फॉर्म आवाम के मसाइल मुतल्लिका महकमों तक लाने और इन्हें अवामी अमंगों के मुताबिक हल करने के लिए तश्कील दिया गया है। जिली, सूबाई और वफाकी महकमे मुल्की तरक्की व अवामी खुशहाली में मजबूत कोऑर्डिनेशन के जरिए भरपूर मेहनत करें। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ और बेहतर सहूलियात की फरामी को यकीनी बनाया जाए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत की बेहतरीन गवर्नेंस की वजह से अशिया जरूरिया की कीमतों में नमाया कमी आई है। महंगाई में कमी के साथ अवाम नास तक पहुँचाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मजीद मुतहरक होकर काम करे। अवामी मनसूबों की बार वक्त तकमील और आला मियाद पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर कन्वीनर कमेटी राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि जिला में जारी तरक्याती स्कीमों को तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मनसूबों में क्वालिटी पर किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।